शेर के सर पे चढ़ गया टाइगर, देख के रेंचर हो गया पंचर। पर मूषक को देखो ना टेंशन ना फिकर, क्योंकि उसका दोस्त है थोड़ा गुनगुन बेफिकर। चेरू करता दमा चौकड़ी में नए ड्रामे बुन, और बैकग्राउंड में बसती है चेजिंग की ये धुन। मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन, मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन। करते हैं मनमानी थोड़ी थोड़ी शैतानी, सीना जोरी भागा दौड़ी होती है तूफानी। अरे आजू बाजू आगे पीछे बच के तू रहना पड़ जाए ना पंजा। हर सुबह शाम को लेता है शेरू इनसे जो पंगा, मूषक गुन गुन मिलके लेते बदले चुन चुन चुन। और बैकग्राउंड में बसती है चेजिंग की ये धुन। मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन, मूषक मूषक गुन गुन मूषक गुन गुन। यहाँ की हवा तरोताजा है, हम इस जंगल के राजा हैं। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ की हवा तरोताजा है, हम इस जंगल के राजा हैं। क्यों लाले भाई? सच बोलूं शेरू भाई, तुम्हारा शेर मेरे सर के ऊपर से निकल गया। लेकिन जो भी था, बहुत अच्छा शेर था। क्या बोल रहे हो तुम? अगर मेरा शेर तुम्हारे सर के ऊपर से निकल गया तो तुम्हें मेरा शेर अच्छा कैसा लगा? हाँ, जब भेजे में घुसा ही नहीं तो अच्छा कैसा लगा? बोल बोल, अरे बोल ना। वो सब छोड़ो ना शेरू भाई, अब मेरी बारी, मैं भी एक शेर सुनाता हूँ। तुम और शेर बोलोगे। अच्छा है, अच्छा है। अरे सुनने से पहले कैसे बोल रहे हो कि अच्छा है? अच्छा है, अच्छा है का मतलब यह है कि मेरे साथ रहकर तुम भी शायर बन गए हो। ठीक है, चलो सुनाओ अपना शेर। ना मैं बोल रहा हूं, ना मैं सुन रहा हूं, ना मैं बोल रहा हूं, ना मैं सुन रहा हूं, बस फालतू के सपने आंखों में बुन रहा हूं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा टाइगर बोलता है। शेरों के सामने तुम टाइगर की तारीफ कर रहे हो, तुम मेरी तरफ हो या टाइगर की तरफ? मैं तो तुम्हारी तरफ ही हूँ, मगर शायरी मुझे टाइगर की पसंद है। अगर शायरी में मेरा और टाइगर का आमना सामना हो जाए तो मैं उसे हारने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम शेरो शायरी में टाइगर से जीत पाओगे। अच्छा, तो मैं करूंगा टाइगर को चैलेंज और शेरो शायरी में उसे हरा कर रहूंगा। ये हमारे टाइगर को हराएगा, अभी जाकर टाइगर जी को बताता हूँ। हाँ? टाइगर जी, स्कूल जाना शुरू कर दिया क्या? ललिता, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हिचका स्कूल नहीं रे बाबा, स्कूल भी स्कूल नहीं जा रहा हूँ रे। मगर तू ऐसा क्यों पूछ रहे ला? अरे मुझे लगा कि आप होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क तो स्कूल में ही मिलता है ना। ये बाबा रे, मेरे को स्कूल की याद मत दिला, मत दिला मेरे को याद। स्कूल के नाम से मेरे को मेरे वडील, वडील यानी मेरे पिताजी की याद आती है, बहुत मारते थे रे मेरे को। ओके ओके ओके, वैसे आप पेपर में लिख क्या रहे हो? मैंने आज एक नई शायरी लिख ली है। शायरी तो आप रोज ही लिखते हो, आज की शायरी में क्या खास है टाइगर? मेरा मतलब टाइगर जी, तेरे को बता के कोई फायदा नहीं है रे, क्योंकि शायरी को समझने के लिए जो भेजा चाहिए ना है? भेजा वो नहीं है रे तेरे पास। क्या बात करते हो टाइगर भाई,
मुझे भी बहुत अच्छी शायरी आती है। हिचके हिचके। ऐसा क्या है? तो चल सुना, मेरे को सुना अपनी शायरी। तू ना मैं जमी हूँ, ना आसमां हूँ, ना दिल का बुरा हूँ, मैं एक नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा चूहा हूँ। अबे ये कोई शायरी है? है ये तो शायरी के नाम पर कलंक है। अच्छा तो फिर ये लो, बिल्कुल नई शायरी सुनाता हूँ, अभी अभी बनाई है। शायरी करना टाइगर भाई कोई खेल नहीं है बच्चों का। वावा तो बोलो, जबरदस्ती बुलवाएगा? ठीक है, वाह वाह, ये हुई ना बात। आगे सुनिए, शायरी करना टाइगर भाई कोई खेल नहीं है बच्चों का। शायरी करने में तो तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। लगता है तेरा तेल भी निकल गया है। देख देख कैसा चूसे हुए किशमिश की तरह हो गया है। तू जा रे बाबा, तेरे से नहीं हो गई, जा, मेरे को पनवती मत लगा रहे, जा। टाइगर भाई, मुझे लगता था इस दुनिया में एक ही कवि और शायर है टाइगर, मगर अब एक और पैदा हो गया है और वो तुम्हें शायरी में हराने का चैलेंज भी कर रहा है। गुनगुन, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मेरे को शायरी में कोई नहीं हरा सकता। अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ मैच मेरे को हरा सकता है। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, शेरू तुमसे मुकाबला करने के लिए शेर और शायरी लिख रहा है। टाइगर है मैं, टाइगर है? मेरे को किसी भी कंपटीशन में कोई भी नहीं हरा सकता, समझे? टाइगर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज हम सबके बीच शेर और शायरी का एक कंपटीशन होना चाहिए। क्या बकरा है? कंपटीशन मेरे और शेरू के बीच में होएगा? ये सब लोग बीच में कहाँ से आ गए? वो क्या है ना टाइगर जी, आपके साथ रहकर मुझे भी थोड़ी बहुत शायरी आ गई है। इसलिए मैं भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहता हूँ। तू भाग मत ले रे, यहाँ से भाग ले। आए, ए, 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 ये गलत बात है, शायरी दिमाग का खेल है, इसमें मसल पावर नहीं दिखाना चाहिए। मगर तू मुकाबला किसके साथ करेगा रे? मेरे को ये तो समझा। मैं और मूषक आपकी टीम की तरफ से इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। मैं रैंचो के साथ लड़ूंगा और मूषक लालिया के साथ। अरे हम लोग जंग लड़ने नहीं जा रहे ले, खाली शेर और शायरी का कंपटीशन करने जा रहे ले। तो फिर ठीक है, इससे पहले कि वो शेरू हमें चैलेंज करे, मैं खुद जाकर उसे चैलेंज करता हूँ। हाँ मूषक, जाके बोल दे उसे मैदान में आने के लिए। वो टाइगर अपने आप को बहुत बड़ा शायर समझता है और बात बात पे शायरी करता है, इसीलिए मैंने भी कुछ ऐसी शायरी लिखी है कि आज उसे पता चल जाएगा कि असली शायरी क्या होती है। देखो शेरू भाई, सौ बात की एक बात, तुम टाइगर को शायरी में नहीं हरा सकते। क्यों नहीं हरा सकता? क्यों क्यों नहीं हरा सकता? मैंने जो शायरी लिखी है ना, उसे सुनकर टाइगर की शायरी की हवा निकल जाएगी, हवा। और अगर शेरू की शायरी से टाइगर की हवा नहीं निकली तो मैं भी उसे 2.5 किलो के शेर बोलकर उसकी हालत बिगाड़ दूंगा। लगता है आज शेरो शायरी का मौसम आ गया है, तभी ये शेरू भी शेर सुनाने की गलती कर रहा है। गलती नहीं कर रहा, बल्कि सच में मुझे शायरी आती है, इसीलिए तो मैं टाइगर को चैलेंज करने जा रहा हूँ। मंजूर है, टाइगर को तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, मगर एक शर्त है। शेरू से शर्त? ठीक है, बताओ कैसी शर्त? तुम्हारा मुकाबला हमारे टाइगर से होगा और मेरा और गुनगुन का मुकाबला रैंचो और लालिया से होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। जाकर अपनी टीम के हारने की तैयारी कर। अरे ये तैयारी तो तुम्हारी टीम को करनी है, समझे? चलता हूँ, और जाने से पहले बता दूँ, ये मुकाबला कल मॉर्निंग में होगा, यानी के कल सुबह। देखो, हमारे पास सिर्फ आज रात तक का टाइम है, तुम दोनों अपनी अपनी तैयारी में लग जाओ और मैं अपनी तैयारी करता हूँ। शेरू भाई टेंशन मत लो,
जीत हमारी टीम की होगी। कॉम्पिटिशन शुरू होने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हार जीत का फैसला कैसे होगा। हैं? दो जन के बीच शेरो शायरी में सवाल जवाब होंगे। जो एक दूसरे के शेर का जवाब नहीं दे पाएगा वो इस कॉम्पिटिशन में हार जाएगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। तो फिर शेरू बोल, सबसे पहले मुकाबला किसके बीच में शुरू करने? अच्छा है, हारने से पहले मुझसे ही पूछ रहा है। चल, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसे ही मुकाबला शुरू करते हैं। तो ठीक है, शायरी के मैदान में सबसे पहले मेरी तरफ से आरेला है मूषक। भेजा भी तो चूहा। अच्छा है, और मेरी टीम से लाल्या पहले। तो मूषक, चल मैदान में उतर कर सामने वाली टीम को बता दे कि टाइगर की सेना में कितना दम है। ये मूषक, बोतल उठा के डस्टबिन में डाल। है? स्वच्छ भारत भूल गया क्या? शेर के सर पे चढ़ गया टाइगर, देख के रेंचर हो गया पंचर। पर मूषक को देखो ना टेंशन ना फिकर, क्योंकि उसका दोस्त है थोड़ा गुनगुन बेफिकर। चेरू करता दमा चौकड़ी में नए ड्रामे बुन, और बैकग्राउंड में बसती है चेजिंग की ये धुन। मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन, मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन। पीछे बच के तू रहना पड़ जाए ना पंजा, हर सुबह शाम को लेता है शेरू इनसे जो पंगा। मूषक गुन गुन मिलके लेते बदले चुन चुन चुन, और बैकग्राउंड में बसती है चेजिंग की ये धुन। मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन, मूषक मूषक गुन 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 मूषक गुन गुन।